विदेश विच बैठे डीडी पंजाबी दे करोड़ां दर्शकां दा तहे दिलों स्वागत प्रोग्राम हीरे पंजाब दे विच। जिस तरह तुसी सारे जानते हो कि किसी भी समाज या सूबे की नींह साडी नौजवान पीढ़ी हुंदी है, ये नींह जिन्नी मजबूत होवेगी साडा देश उन्ना ही खुशहाल होवेगा। पर ये सब दे लई नौजवानां नूं किसी योग सुचज्जी अगवाई की जरूरत है। अज इस प्रोग्राम तहत जिस शख्सियत नूं असीं तुहाडे रूबरू करवाउण जा रहे हैं, उन्होंने अपनी उच्ची सुची ते साफ सुथरी सोच सदका इन्हां नौजवानां नूं एक चंगी दिशा प्रदान करन विच अहम योगदान पाया है। इन्हां दी इसे सोच नूं सलाम करदे होए अज सैकड़े ही नौजवान इन्हां नाल काफले दे रूप विच चलदे ने ते इन्हां नौजवानां नूं तराश के इन्हां ने ही बनाया है हीरे पंजाब दे। सो जी, इस तरह की एक शख्सियत को असी तुहाडे रूबरू करवाउण जा रहे हैं, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी को। बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा साडे स्टूडियो दे विच। सत श्री अकाल जी। सर, तुसीं सब तो पहला सानूं अपने हर एक काम दे विच फैमिली का अहम योगदान हुंदा, तां सानूं तुसीं थोड़ा अपने बारे दसो। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम चरणजीत सिंह चौहान, मैं शहर लुधियाने का रहने वाला, जन्म मेरा लुधियाने शहर में ही होया। माता का नाम कुलवंत कौर, पिता का नाम मोहन सिंह चौहान, जो कि इंश्योरेंस कंपनी च ब्रांच मैनेजर रहे हैं। मैं अपनी पढ़ाई 12वीं तक की स्कूल में ही, उस तो बाद बीए फर्स्ट ईयर मैं आर्या कॉलेज में की, जिदे मैं काफ़ी अपने घरदियां वालों सपोर्ट मिली, तो इस सपोर्ट के नाल ही अज की डेट च मैं ताडे रूबरू होया। सर, ये सू दसो कि होर शौक की ने? शौक मेरे शुरू तो जी भलवानी का बहुत रहा। हाँ जी, भलवानी तो बाद अभी छोटे होंगे, चलो एक टायर जहा लैके टायर के नाल बहुत खेडते सी, तो एक सैकलिंग से रेसिंग का बहुत शौक रहा, तो हौली हौली जिम लैन के भलवानी के नाल नाल लोग असं जिम जाके देखते सके, एक शौक से मैं अपना भी खोलना। तो एक तुम गल भी सुनाना, कुछ काफ़ी साल पहला असं किसी मैरिज से गए थे, मैरिज से जाके कोई थोड़े यार दोस्तों से गल चल पी, काफ़ी छोटी छोटी उम्र से साढ़िया 16 साल का मैक्सिमम होगा, तो उन्होंने गल चल पी किसी ने जिम सेल करना सगा, तो डैड के नाल मैं डिस्कस की कि डैड इस तरह एक जिम चाहिए मैनू भी, डैड मने नहीं, तो हजे तेरी उम्र बहुत छोटी आ, उस दे कारण ही मैं काफ़ी अड़ियल रहा शुरू में, जिद्दी रहा, तो डैड के मगर पे घर के मन नहीं रहे, तो नहीं नहीं जिम नहीं खोलना, तो होर गलत रहा चल पे, सू उस चीज़ की भी टेंशन आ कि सारे मुंडिया ने आना। मैंने शौक से मैं शुरू तो अपना नाम बनावा कि सारा पंजाब मैं चलो सारे जानन। आज 2003 मैं जिम की ओपनिंग की सी, उस टाइम मेरी जिम की फीस सिर्फ 100 रुपया सी, उन्होंने दिन च जो लड़किया एंट्रियां आनी शुरू हुई मेरे जिम से 100-150 एंट्रियां हुई, मैं अपने आप से एक खुशी हुई, हर कोई कोच कहता एक अपने आप से माण होया कि अज की डेट से चलो एक नाम बनया मेरा अपना। हाँ जी, मेरे अपने एरिए हौली हौली पंजाब तो बाहर भी काफ़ी बंदे जाने लग गए, तो इस तरह मेरे मन में अपने आप में बहुत सुकून मिलया, तो शौक फिर बस बॉडी बिल्डिंग का सगा, तो कुश्तियां का सगा, उस शौक ना मैं अगे बढ़ता जा। सर, जिदा कि तुसी सानू दस्या कि तुसी है बॉडी बिल्डिंग दे स्टार्टिंग तो शौक से तुहानू तुसी अपना जिम बनाया, तो जिदा अंग्रेजी दे विच इक कहावत भी है, हैल्थ इज़ वैल्थ, बहुत सही कहा किसी ने। तुसी नौजवानों नू होर सेहत याब दे नाल जोड़न दे लई होर किहड़े किहड़े उपराले कर रहे हो? देखो जी, पहला तो मेरे अपनी जिम की फीस मैं बिल्कुल घट रखी, एक गरीब परसन भी अपनी मेरे जिम की फीस अफोर्ड कर सके, जिस तरह मर्जी आवे, कोई ऐसी भी टेंशन नहीं है। कुछ लड़कियों को अज की डेट च एक 300 रुपया देना भी औखा होंगे, जिन्हों मैं यही नहीं होंगे कि मैं उन्होंने को चलो फीस लैनी है, मैं यही होंगे मेरे जिम च मेरा नाम बने, तो अगले जो भी आते हैं जिम च स्टूडेंट, कई गरीब घर के कई चंगे घर के सारे आते हैं, उन्होंने असं एक डाइट शेड्यूल प्रोपर वधिया बनाईदा, सिर्फ असी जिहड़ा जिम आ मेन मसले मैं इहो रखिया मुंडे नशियां तो दूर रहन। ओके, नशियां तो दूर जिन्ना अपना पंजाब रहूगा उन्ने ही चलो अपनी नौजवान पीढ़ी अगे तो अगे वधूगी। देखो कई गरीब परिवार के बच्चे मेरे को आते हैं जिहड़े कि इन्हां फैसिलिटियां नूं पूरा नहीं कर सकते, उन्हां वास्ते असी काफ़ी फैसिलिटियां रखिया ने जिम च, जो अजकल मशीनरी चल रही है जिम च वो सारी मशीनरी मैं अपनी जिम विच रखी आ, तो कई असी प्रोपर उन्होंने डाइट शेड्यूल, डाइट चार्ट, एक्सरसाइज शेड्यूल सारा उन्होंने ध्यान किया होया जी, तो बाकी जिथे तक हो सके मैं नौजवानों की मदद कर सकता अपने जिम के थ्रू, बाहर नौजवानों की जेडे अपनी डाइट प्रोपर पूरा नहीं कर सकते, असी कई मुंडे रल के उन्होंने हेल्प भी करी दी आ, जिन्हों मुंडियां नूं बॉडी बिल्डिंग का शौक आ जां कम दे
थ्रू इस थ्रू असी कई नौजवानों ने काम पर भी लगवाया। हाँ जी, तो बस वाहेगुरु की कृपा के नाल अज की डेट में परमात्मा ने सब कुछ दिता। हाँ जी, तो उस मेहनत से अगे दी अगे वध रहे हैं। सर हुण तक किन्ने नौजवान हैं जिहड़ी तुहाडे वल्लों सुविधा दी जा रही है तो उहदा लाभ लै चुके हैं? देखो जी, इस टाइम मेरे जिम च 166 स्टूडेंट आ रहे ने। हाँ जी, फिर शाम दे मिला के प्लस मेरे को 144 बाउंसर ने। ओके, जिहड़े मुंडे मेरे थ्रू कई कम्मां ते भी लगे हुए ने, कई असि ऐसे सभ्याचारक प्रोग्राम उत्थे भेजी दे ने। सैकड़े नौजवान जी मेरे नाल अज दी डेट च जुड़े हुए ने, जिन्हां दी सपोर्ट दे नाल मैनूं काफ़ी सहयोग भी मिल रहा, काफ़ी असी बैठ के मीटिंगां भी करी दियां ते असी अपने पंजाब नूं नौजवानां नूं किस तरह अगे तो अगे ले जाइए ते नशियां तो दूर रख के असी पंजाब दा एक अलग नाम अपने वर्ल्ड च करना चाहते हैं कि साढ़े पंजाबी मुंडे जिथे भी कोई भी देखे कि एक मन च खुशी हो कि पंजाब अज की डेट च वसदा पिया, जो कि लोग कई नौजवानों ने इस चीज़ नूं नशियां दे पासे सिट के नौजवानों की पीढ़ी नूं खत्म करते जा रहे ने। तो बाकी सहयोग रहेगा असीं पंजाब नूं अगे तों अगे खिचीए। हाँ जी, जिमें जी तुसीं सानूं दस्सिया कि तुहाडे नाल इन्ने नौजवान जुड़े हुए ने, ते जिमें सभ्याचारक मेले हुंदे अपने अपने एक विरसे दा अंग ने सभ्याचारक मेले, ते उहनां नूं सुचारू ढंग दे नाल चलाउण दे विच तुहाडा काफ़ी योगदान रहा, तां सानूं थोड़ा उस बारे दसो कि तुसीं उहनूं किस तरह मैनेज करदे हो। देखो सभ्याचारक दे प्रोग्राम च जदों असीं अपनी सिक्योरिटी नूं भेजदे आ, ओह इस करके भेजीदा कि कई फैमिलियां वाले उत्थे पहुंचदे ने, कई इहो जिहे नौजवान पहुंच जांदे ने जिहड़े कि उस प्रोग्राम नूं भंग करन दी कोशिश करदे ने, ते साडी सिक्योरिटी दा इक काम हुंदा कि उह नौजवानां नूं प्यार दे नाल समझा के इक सिर्फ एक सिक्ख्या देनी कि इस प्रोग्राम जो आप देखना आए हैं पंजाब के कल्चर नूं आपां अगे वधाउणा, तो इस कल्चर नूं आराम नाल शांतमई ढंग ने देखा जाए, तो वह नौजवान कल्चर नूं घट ते साडे भलवानां नूं ज़्यादा देख के क्लबां वल जागृत हो जाते हैं कि असं भी इस तरह के शरीर चाहते हैं, लोग सिंगरां नाल घट ते साडी सिक्योरिटी के भलवानां नूं फोटो ज़्यादा खिचा लेंदे ने कि इहो जिहा शरीर देख के उन्होंने मजा आता। मतलब जेडे तुहाडे बाउंसर्स हुंदे जां जेडी तुसी सिक्योरिटी भेजदे उन्हां वल देख के अपने आप अट्रैक्ट हो जांदे। हाँ जी, अपने आप च उन्हां नूं खुशी हुंदी आ कि एक कपड़ा पाया जदों शरीर ते फपदा तशरीफ फरमा रहे ने चरणजीत सिंह चनी जी, इन्हां नाल गल्लां बातां दा सिलसिला जारी रहेगा। हाँ जी चरणजीत सिंह चनी जी, तुहाडा फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी। हाँ जी, जिदा कि तुहाडे तो अगे मैं पुछना चाहुंदी हां कि जिवें अजकल नौजवान पीढ़ी है जिहड़ी नशियां दे विच गलतान हो रही है, तो इन्हां कुरीतियां नूं दूर करन दे लई तुसीं किहड़े किहड़े योगदान कर पा रहे हो? जिहड़े कई लड़के सानूं पता लगदे कि नशियां दे विच काफ़ी जांदे पए ने जां जा चुके ने, उहनां नूं असीं अपने क्लब दे मैंबर जा के बाकी मेरे मान योग साडे एरिए दे कौंसलर साहब जसवीर सिंह जस्सा जी जो कि 40 नंबर वार्ड दे कौंसलर ने, इन्हां दे नाल असीं मीटिंग करी दी आ, उन्हां लड़कियां नूं जिथे तक हो सके असीं मैडिकल सुविधा कराई दी आ, जिहड़े लड़कियां नूं ज़्यादा इस चीज़ जा चुके ने मैडिकल सुविधा दे नाल नाल असीं अपनी जिम विच लिया के उन्हां नूं एक्सरसाइज दा एक शौक पाई दा, ते असीं इस नशे वाली मुहिम नूं अपने पंजाब तो कितने दूर ले जाना ते मुंडियां नूं इक चढ़दी कला विच लियाना। इन्हां दे उपरालियां सदका इन्हां नूं प्यार करन वाले इन्हां दे शुभ चिंतक इन्हां बारे की कहन जा रहे हैं आओ आपां जानदे हां। मैं सोहन सिंह ढोलनवाल, सरपंच पिंड ढोलनवाल, मैं इस परिवार दे विच 20 जनवरी 1997 नूं मेरी मैरिज हुई, जदों इह रिंकू हुणी बड़े छोटे छोटे सी, पर छोटा हुंदा होया भी बड़ा इहदे च उत्साह सी गेमां दा, इहने उस उत्साह नूं इन्ना क कामयाब किया पिछले 10-15 सालां तों भी इहने अपनी बॉडी नूं बड़ा संभालिया, उस बॉडी नूं संभालदे संभालदे इहने हैल्थ क्लब बनाया, जदों हैल्थ क्लब बनाया मैनू बड़ी खुशी हुई, खुशी इस करके हुई भी जिहड़ा भी यह पंजाब दे विच नशियां दा घोणा, जिहड़ा नशे आ ना एक वह घोणा जिवें लक्कड़ नूं जदों घोण लग जांदा ना उहनूं बाहरों नहीं पता लगता,
पता उदों लगता जो सारी लकड़ खत्म हो जाती है। इस तरह ही ये नशे के घुण ने यह नौजवानों नू लगे ने, इन्हें उस घुण नू खत्म कर ली जिन्ना कि पंजाब दे विच हिस्सा पा सकता। इन्हें वधिया नौजवान तैयार किए हेल्थ क्लब बना के, जिन्हां दे विचों वधिया मुंडे बॉडी बिल्डर दे विच वेट लिफ्टिंग दे विच अपना वधिया नाम कमा रहे ने, ते इहदे मुताबक मुंडिया नू आप दी बॉडी का प्रदर्शन कर लई, आप दे पेट पालन लई एक वधिया रुजगार भी मिल रहा। इस चीज़ का सारे का जो भी मुख सलाहण योग आ वो साडा प्यारा रिंकू पलवान आ, बहुत प्यारा बच्चा आ। इन्हें बड़ा जो मेरा तो ख्याल आ सरकार नू भी चाहिए भी इनू यह जे नौजवानों वधिया अजस्टमेंट करन, साथ देन। मैं भी मेरे कन्नियों कोशिश करांगा, साडे सत्कारयोग सरदार शरणजीत सिंह ढिल्लों कैबिनेट मंत्री ने पंजाब सरकार दे विच, मैं उन्हां अगे भी पहला भी रिक्वेस्ट की सी, हुण भी करांगे भी यह जे नौजवानों नू बड़ी संभालण की लोड़ आ, ते असी जे इन्हां नू संभाल लिया ते साडा जिहड़ा आने वाला भविख आ वह बहुत ही चानना हनेरा दूर हो ते नवा चानण आऊगा। बहुत ही खुशी हुई है इन्हां नौजवानों नू मिलके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। इस वार्ड नंबर 40 दे विच मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़िया, जो चन्नी है इस आदमी ने बच्चे ने साड़ी बहुत हेल्प की, और देखद्या देखद्या जिहड़ा बच्चा सी साडे हत्थां च जम्मिया पलिया, और वध्या देखद्या इस बच्चे ने अपने शरीर नू मेंटेनेंस करके और महल्ले की पूरे लुधियाने के बच्चों नू चंगी राह दा दिखाई, और इन्होंने हेल्थ क्लब नू खोल के ये बड़ा वधिया काम किया। इस तो इन्होंने प्रेरित होकर जिहड़े बच्चे गरीब घर के सी उन्हां नू अगर पैसे की लोड़ हुंदी सी इन्होंने उन्होंने बोंसर का रोल दे के जिवें कि पैलेस या किसी जगह पर जाना इन्होंने उन्होंने रुजगार दिता। उन्होंने बच्चों ने नशे वाल चोरी चकारी तो जिहड़ा इन्हां दा ध्यान हट गया और ये वधिया राह ते पए, जिंदा मैसेज जिहड़ा अज महल्ले वाल एक उदाहरण तौर पर है कि साडे नूह शिवाई नगर नू फकर है कि ऐसे नौजवान अगर हिंदुस्तान दे विच एक काम करन तां हो सकता है कि कोई बच्चा नशे वाल ना जावे। असी अति अत धन्नवादी हाँ डीडी पंजाबी चैनल दे उन्हां दी समुची टीम दे जिन्हां ने इत्थे कवरेज करके इन्हां पंजाब दे हीरियां नूं दुनिया दे सन्मुख कीता है। जिवें कि असी जाणदे हां पंजाब दी धरती सिरला ते योधियां दी धरती है, क्योंकि इत्थों दे मावां ने अनेकां सूरबीर ते बहादुरां नूं जन्म दित्ता है जिन्हां दीआं गुड्डियां समानां दे चढ़ियां ने, क्योंकि उन्होंने कुछ शुभ कर्म किए ने। जिवें कि मेरी मुराद मेरे वीर साढ़े भाजी साढ़े भरा चरणजीत सिंह चन्नी जी तो जिन्हां ने पंजाब के अनेक नौजवानों बेरोजगारी तो दूर किया, नशियां तो दूर किया, एक नशा मुक्त समाज सिरजन का उन्होंने संकल्प लिया है। असी अपने समुची डीडी पंजाबी की टीम नूं अपने वीर चरणजीत चन्नी जी ये आश्वासन दिंदे हां कि असी उन्हां नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़े हैं, और जिस तरह भी जिथे भी पंजाब के कोने कोने विच कि पूरे वर्ल्ड के जिथे भी साड़ी उन्हां नूं लोड़ आ असी उन्हां दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़े हैं। पूरे पंजाब नूं और वर्ल्ड नूं मेरा यही संदेश आ कि साड़ी टीम दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के जिथे भी साड़ी लोड़ पैंदी असी हाजिर हाँ। समुची टीम का डीडी पंजाबी का चैनल का बहुत बहुत धन्नवाद। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਈ ਯੂਥ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਯੂਥ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਹੂੰਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ
खुश रहे परमात्मा वालों असी उन्होंने नाल असी वध तो वध हर एरिए अपने हेल्थ क्लब खोलीए तो असी अपनी सरकार नू एक इस चीज़ का कही है कि हर एरिए क्लब होवे मुंडे नौजवान जिन्हें भी नशे डुबे हुए ने उन्होंने एक बॉडी बिल्डिंग का एक्सरसाइज लाने का झाका हो कई बार असं अपने कौंसल साहब ना भी बह के मीटिंग करी दी कि असी हर पासे अगे तो अगे वध के नौजवानों ते पंजाब नू अपने नू अगे ले आईए ते नशे नू आपां पंजाब विच्चों बिल्कुल मुक्त कर दीजिए। सर तुसी साडे दर्शकां नू की संदेश देना चाहोगे? संदेश मैं अपने पंजाबी वीरां नू इह देना चाहना कि अपने बजुर्गों का सत्कार करो, भैन भरावां का सत्कार करो, जो अपने पंजाबी अज की डेट में अपने विरसे भुलते जा रहे हैं, फास्ट फूड वर्गियां चीज़ां नू खा रहे हैं जो कि एक बीमारी का घर है, इन्हों तो दूर रह के अपने पंजाबी खाण पीन वाल ते अपने पहरावे वाल ध्यान दो। सब तो वड्डी गल अपने माँ प्यो की सेवा ही एक वाहिगुरु की ते रब की सेवा है। तुहाडे वल्लों कीती जा रही समुची कार्ज प्रणाली साढ़े नौजवानों के लिए एक चानण मुनारे का काम कर रही है ते प्रोग्राम देख रहे नौजवानों नूं बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी। तुसीं ना टाइम होने के बावजूद स्टूडियो दे विच आए, साडे नाल जानकारी सांझी कीती, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल। नाल ही मैं गुजारिश करांगी मैनेजिंग डायरैक्टर साहिल कुमार हैप्पी जी ते डायरैक्टर जशनदीप जिम्मी जी नूं कि वह इत्थे आउण ताकि चरणजीत चन्नी जी नूं सन्मानित किया जा सके।